फिल्मों में और मीडिया में देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है। मीडिया में जो चीज़ें दिखती है ओरिजिनल चीज़ें दिखती है, फिल्मों में उसे बना के हम दिखाते हैं। तो ये सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, ये पिक्चर ज़रूर देखें, अच्छे से देखें। और इसमें बहुत डिफरेंस है, इन पिक्चरों में बहुत कुछ चीज़ें, सस्पेंस बताया गया है, एक्शन बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताया गया है। फ्यूचर में आप प्रमोशन भी करेंगे? जी बिल्कुल हम करेंगे। सर आप क्या कहना चाहिए आज सर के लिए, दो शब्द क्या कहना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है इस लाइन में जितनी ज़्यादा नई फिल्में बनेंगी उतनी ही लाइन हमारी तरक्की करेगी। जब इस तरह की फिल्मों के मुहूर्त होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि मैं करीब 42 साल से एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। मेरे सामने बड़ी बड़ी फिल्मों का मुहूर्त हुआ और छोटी सी छोटी फिल्मों का मुहूर्त हुआ, पर मेरा जो अनुभव यह है कि जितनी ज़्यादा फिल्में बनेंगी, मुहूर्त होगा, सेट पर आएंगी, उतना ही सीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, एक्टर्स को, सबको फ़ायदा है। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे लिए ये बात है कि इसमें नए एक्टर्स हैं, जैसे राम हैं, वो एकदम नए एक्टर हैं और वो इसमें हीरो हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। बाकी इसमें नाम लिखे हुए हैं, गुरु मान भी हैं, अजय पांडे इसके डायरेक्टर हैं, ये सब लोग पूरी नई नए लोगों की यूनिट है। तो निश्चित रूप से जितने भी बड़े आदमी यहाँ पर हैं मेरे सामने, वो सब नए थे। आज ही की तरह जैसे मुहूर्त हो रहा है, पहले वो भी ऐसे ही मुहूर्त करते थे छोटे छोटे, लेकिन करते करते आज बहुत बड़ा नाम हो गया उनका। हर एक्टर चाहे मुहूर्त करके फिल्म बना के रिलीज करके, तो इस तरह से ये आज के जो है कल के स्टार हैं। कल का स्टार है यहाँ पर देखा गया, और भोजपुरी में तो कुछ पता ही नहीं पड़ता है, आदमी यूँ आता है और यूँ स्टार बनता है। तो मेरी सबको शुभकामना है, इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी और एक्ट्रेस डिपार्टमेंट को भी, और खासकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, और ये फिल्म का जो है ताना बाना बन के सेट पर ला रहे हैं वो, और मेरी बहुत बहुत जो है उनके लिए शुभकामनाएं। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, जो इतनी हिम्मत करते हैं, सबको जुटाते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर वो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। कैमरा सर देखिए, हमारा फिल्म जो और जो हमारे यहाँ पे थोड़ा न्यू आर्टिस्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो बैकअप मार्केट्स नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को मैंने देखा तो मार्केट में देखा कि कितने स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे लोग हमारे, जो उनको बैकअप नहीं मिला, तो उस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए और हमारी ये फर्स्ट मूवी है। हम सोच रहे हैं बहुत बेटर करें, ठीक है, और हमारे जो नए जनरेशन को एक सीख मिले कि कोई भी बंदा आगे बढ़ता है तो उसको और भी बढ़ाने की कोशिश करें। दैट्स इट। सारी फिल्म की कहानी सिर्फ हमारे टाइटल से मालूम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको हम जो हमारा राइटर सजाए हैं, हमारे राइटर भाई ये हैं, नितिन जी हैं, दैट्स इट, बहुत बेटर है उसमें, और अच्छे अच्छे सॉन्ग डाले हैं जो कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और हमारे भोजपुरी दर्शक और यूपी वाले बहुत अच्छे देखेंगे उस फिल्म को। तो आज जैसे कि कब तक शुरू हो जाएगा शूटिंग? ये बहुत जल्दी होगा, जो भी टाइम कुछ समय रहेगा कि जिस तरह से मीडिया को लेट रुका, 1 मंथ के अंदर सब कंप्लीट हो जाएगा, जो भी पूरी कोशिश रहेगी जल्दी बनाने की, पूरी कोशिश रहेगी। अभी टाइम फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी भाई। आपको सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होनी चाहिए कि नई फिल्म स्टार्ट हो रही है। थैंक यू सर। कम से कम एक फिल्म जब स्टार्ट होती है ना, तो कम से कम 30 घर से लेके 50 घर तक की रोटी रोजियां चलती हैं। ये लाइन भी एक इंडस्ट्री है। हमें खुशी इस बात की है कि इसमें जो भी टेक्नीशियन काम करेंगे, एक्टर्स काम करेंगे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, सबको फायदा है। तो खुशी इस बात की है, और ऐसे नवयुवक जो डायरेक्टर हैं तो ये अच्छी बात है, कल के बहुत बड़े डायरेक्टर बन सकते हैं। तो वी आर ऑल हैप्पी, थैंक्स टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरे साथ में मिस्टर नितिन जी जुड़े हैं जो इस फिल्म के राइटर भी हैं। नितिन जी आप थोड़ा सा बोलिए। जी मेरा नाम नितिन है, और ये जो बैनर आप पीछे देख रहे हैं दुल्हा 420, ठीक है, तो हमारे फिल्म का नाम है दुल्हा 420, तो नाम से ही सस्पेंस, रोमांस और थ्रिलर बरकरार है। और जैसे कि कहते हैं कि हमारे हॉलीवुड का जो पोस्टर होता है, हमारे जनरेशन यंगस्टर, हमारे सोसाइटी के लोग बड़े आजकल ये मुद्दा उठाते हैं कि भाई हॉलीवुड के जो पोस्टर होते हैं, हॉलीवुड के जो पोस्टर होते हैं बड़ा अच्छा होता है और बहुत अच्छी फिल्म होती है। तो मैं इस दुल्हा 420 के पोस्टर और नाम से ये क्लियरिफाई करूंगा और ये साबित करूंगा कि हमें भी वो दम है कि भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी इंडस्ट्री हॉलीवुड को टक्कर दे, ठीक है। और इस फिल्म को मैं लिख रहा हूँ, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, लिरिक्स और डायलॉग,
सारा मैं लिख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए और फिर आप लोगों के सामने रखा जाए। और मैं मीडिया को कंग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ। मैं शिवांगी, ये फिल्म है दूल्हा 420, इसका जो नेम है वो ही बहुत इंटरेस्टिंग है, सुन के पता लगता है कि दूल्हा 420, जो इसमें दूल्हा वो एकदम 420 ही होगा, तो वेरी इंटरेस्टिंग मतलब नेम है इसका। और हमारे डायरेक्टर हैं अजय पांडे जी, जो अजय सर है वो बहुत अच्छे हैं, तो और उनको मैं काफ़ी दिल से मतलब बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, और मेरा भी इस फिल्म में कैरेक्टर है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए कि इसका शूट कब स्टार्ट हो, क्योंकि जो नेम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो फिर शूट तो और भी मज़ेदार होने वाला है और फिल्म तो है वो और मज़ेदार होने वाली है, तो काफ़ी अच्छा है, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड मतलब हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसकी शूटिंग जल्दी से शुरू हो, और बस अभी 15 or 20 डेज में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, तो बस मैं तैयारी की आपने सावधान इंडिया जैसे शो भी आपने की है, तो किस तरह से तैयारी की है कुछ बताना चाहिए? हाँ एक्चुअली भोजपुरी जो ये भोजपुरी मूवी है और भोजपुरी मैं काफ़ी अच्छी बोल लेती हूँ, तो मुझे तैयारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उधर मतलब यूपी मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पापा जो है वो गोरखपुर से हैं, तो मुझे भोजपुरी बहुत अच्छे से आती है और मुझे खुशी है कि मैं इस मूवी में मतलब एक कैरेक्टर कर रही हूँ, तो बस वेट है इसकी शूट का बस। हाय मेरा नाम कुमार राम है, मैं MP जिला से हूँ और इस मूवी का डायरेक्टर है अजय पांडे जी, और जो बहुत ही अच्छे मेरे करीब बड़े भाई की तरह हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जैसे छोटा भाई से प्यार करते हैं। मैं एक मिनट उनको बुलाना चाहता हूँ, और हमारे भाटिया जी हैं और बहुत सारे यहाँ एक्टर हैं, हमारे रमेश गोयल जी हमारे डैडी कुमार के हैं, हमारे बड़े भाई सागर सिंह मीडिया प्रभारी हैं, प्रिंस जी हमारे बड़े भाई हैं, और बहुत सारे यहाँ श्रोता गण आए जो हमारे बीच में काम करने वाले, प्रोडक्शन मैनेजर हमारे अवधेश जी हैं, बहुत अच्छे हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और कृष्णा जी हैं जो हमारे टच के हैं। अजय जी एक मिनट आप यहाँ आ जाइए। अजय पांडे जी बहुत ही टैलेंटेड उम्दा, ये हमारे बड़े भाई की तरह एक देखा जाए, जैसे एक होता ना कि मुझे बहुत प्यार करते, इतना प्यार करते हैं कि मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ, मैं मुझे छोटा भाई मानते हैं, और इस मूवी का जो भी फाइनल की हमारे बड़े भाई अजय पांडे जी, इनको मैं लव यू बोलता हूँ कि मुझे बहुत प्यार करते हैं इस मूवी में जो मुझे लीड एक्टर दिए हैं। अच्छा ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी बहुत दिल के अच्छे हैं, स्क्रीन पे भी बहुत दिल के उम्दा इंसान है और पर्दे पे भी, पर्दे के बाहर भी बहुत ही अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और एक युवा डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, तो इनको मेरी बार बार विश बनती है और ये एक प्रोजेक्ट बेमिसाल इनका बने और बहुत ही प्यारा बने, और मिस्टर राम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जिस तरीके से उन्होंने टाइटल सोचा है दूल्हा 420, दूल्हे के ऊपर बहुत सारी फिल्में आई हैं लेकिन ये एक थोड़ा सा अजीब ही टाइटल है, और आप देख रहे हैं कि 420 का मतलब तो फ्लोड ही हो गया, तो दूल्हे की कब शादी होगी, आपको इसमें सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और ज़बरदस्त फिल्म बन रही है, और आप सब विश कीजिए कि फिल्म बहुत अच्छी बने और इस अच्छी फिल्म के साथ में हम भी आगे निकले, और आप सबको मैं चाहता हूं कि दो अक्षर हमारे बड़े भाई बोले हमारे तरफ। अजय जी आप भी प्लीज कुछ अपनी तरफ से। हमारे लीड कैरेक्टर ये, हमारे लीड कैरेक्टर ये हैं कुमार राम, ठीक है, क्योंकि एक बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं और मुंबई में स्ट्रगल करते रहे, एक दिन हमारे पास आए, हम इनको देखे, हमें बहुत अच्छे लगे कि ये बंदे, तो हम सोचे इनके लिए हम कुछ करें नया। फिल्म की स्टोरी है ओ सर जी आइए यहाँ पे, आप खुद बोलिए ना, आइए कुछ कहानी बता रहे हैं ना, अब ऑन स्क्रीन उसकी पूरी लाइफ कुंडली नहीं बतानी हमको, ठीक है सर, सॉरी, हाँ बोलिए थोड़ा जोकिंग।